गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लास्ट क्लास में हमने ई की मात्रा शब्द से रिलेटेड पाठ पढ़े हैं। उस पाठ के संबंधित कठिन शब्द लिखे हैं और अर्थ भी लिखे थे। तो आज हम उस पाठ के आगे के बिट्स लिखेंगे, तो आप भी अपने अपने क्लासेस में लिखिएगा। तो देखिए अभ्यास। अभ्यास फर्स्ट बिट। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए, उनके नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ ईच पिक्चर इन द स्पेस ऑफ द रिंग। तो यहाँ पर देखिएगा पिक्चर्स दिए गए हैं, उस पिक्चरों के नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर क्या है? फर्स्ट पिक्चर है ताली। फर्स्ट पिक्चर ताली। ताली मीन्स क्लैप। थाली का मतलब होता है प्लेट, तो यहाँ पर हमने ताली लिखा है, ताली। नेक्स्ट सेकंड पिक्चर क्या है? सेकंड पिक्चर है बकरी। नेक्स्ट थर्ड पिक्चर क्या है? तीतर। थर्ड पिक्चर है तीतर। नेक्स्ट फोर्थ पिक्चर क्या है यहाँ पर? फोर्थ पिक्चर है दीवार। नेक्स्ट फिफ्थ पिक्चर क्या है? फिफ्थ पिक्चर है पनीर। पनीर। नेक्स्ट लास्ट पिक्चर है मछली। तो यहाँ पर देखिएगा चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए, यहाँ पर पिक्चर दिए गए हैं। फर्स्ट पिक्चर क्या है? ताली। ताली मीन्स क्लैप्स। यहाँ पर हाथ कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्लैप्स मारते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो इन्हें क्या कहते हैं? ताली कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड पिक्चर क्या है? बकरे। थर्ड पिक्चर क्या है? तीतर। एंड फोर्थ पिक्चर क्या है? दीवार। फिफ्थ पिक्चर क्या है? फिफ्थ पिक्चर है पनीर। नेक्स्ट लास्ट पिक्चर है मछली। तो नेक्स्ट देखो, चित्रों को देखकर वाक्य बोले कीजिए। सेकंड मिनट, चित्रों को देखकर वाक्य पूरे कीजिए। वाक्य पूरे कीजिए। फर्स्ट पिक्चर है डैश मत बजा। सेकंड वन है डैश मत, डैश पर मच्छर। डैश पर मच्छर। नेक्स्ट थर्ड वन,
डैमेज है ना। नेक्स्ट फोर्थ गैस मुंह पकड़, गैस पकड़। तो यहाँ पर देखिएगा चित्रों को देखकर आप पूरे कीजिए। फर्स्ट पिक्चर क्या है? सी टी यानी विजिल। फर्स्ट पिक्चर क्या है? सी टी। तो पिक्चर का नाम लिखो सी टी, सी टी मत बजा। सेकंड पिक्चर क्या है? सेकंड पिक्चर है दीवार वॉल। तो यहाँ पर क्या है? डैश पर मच्छर, दीवार पर मच्छर, दीवार पर मच्छर। नेक्स्ट फॉर थर्ड पिक्चर क्या है? थर्ड पिक्चर है दीपक, दीपक मीन्स दियास। तो डैश जला, क्या जलाना चाहिए? दीप जला, दीप जला। नेक्स्ट लास्ट पिक्चर क्या है? डैश पकड़। तो यहाँ पर लास्ट पिक्चर कौन सा है? लास्ट पिक्चर है मछली, लास्ट पिक्चर है मछली पकड़। तो उसी तरह यहाँ पर देखिएगा चित्रों का शब्दों के साथ उचित मिलन कीजिए। यहाँ पर देखिएगा दीपक, दीपक कहाँ पर है? दीपक यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन मारिएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या है? नदी, नदी मीन्स रिवर, नदी को यहाँ नदी शब्द से नदी पिक्चर को लाइन कीजिए, लाइन मारिएगा। उसी तरह बकरी, बकरी मीन्स गोट, यहाँ पर बकरी कहाँ पर है? बकरी यहाँ पर है। तो बकरी शब्द से बकरी पिक्चर तक लाइन मारिएगा। उसी तरह तीर, तीर कहाँ पर है? तीर मीन्स एरो। तो तीर, तीर शब्द से तीर पिक्चर तक लाइन मारिएगा। उसी तरह हाथी है ना, हाथी मीन्स एलिफेंट, हाथी का पिक्चर कहाँ पर है? यहाँ पर। तो हाथी शब्द से हाथी पिक्चर तक एक लाइन मारिएगा। उसी तरह तीतर मीन, तीतर मीन्स एक बर्ड है ना यहाँ पर, तो तीतर शब्द से तीतर के पिक्चर तक एक लाइन मारिएगा। उसी तरह नेक्स्ट बिट देखिए, चित्र देखकर ठीक शब्द के सामने सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट पिक्चर घड़ी, छड़ी। सेकंड वन
मछली तकली नेक्स्ट थर्ड वन थाली ताली बकरी नगरी तो यहाँ पर देखिएगा चित्र देखकर कि क्षत्रिय सामने सही का चिन्ह लगाइए तो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर क्या है फर्स्ट पिक्चर घड़ी है या छड़ी फर्स्ट पिक्चर घड़ी है तो घड़ी शब्द के सामने सही का लगाइए और गलत शब्द के सामने गलत का चिन्ह लगाइए उसी तरह सेकंड पिक्चर क्या है सेकंड पिक्चर है मछली तो मछली क्या है मछली के सामने सही का चिन्ह और दूसरा शब्द गलत शब्द क्या है तकली तकली के सामने गलत का चिन्ह लगाइए उसी तरह यहाँ पर देखिए थर्ड पिक्चर क्या है थर्ड पिक्चर ताली है या थाली है तो फर्स्ट पिक्चर है थाली थाली मीन्स प्लेट थाली मीन्स प्लेट तो यहाँ पर सही का चिन्ह थाली के सामने ताली मीन्स क्या है ताली मीन्स क्लाथ तो यहाँ पर राम राम नेम है तो राम वर्ड के सामने राम का चिन्ह लगाइए उसी तरह यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर यहाँ क्या है यहाँ कौन सा पिक्चर है बकरी है या नगरी है तो यहाँ पिक्चर है बकरी तो बकरी शब्द के सामने सही का चिन्ह और नगरी के सामने गलत का चिन्ह लगाइए उसी तरह नेक्स्ट भी वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए फर्स्ट वन नाम प्लस आदि मात्रा प्लस नाम प्लस Thank you, my friend.
सेकंड वन फ्रेंड्स, आगे मात्रा फ्रेंड्स, ना फ्रेंड्स, तीन के मात्रा। नेक्स्ट थर्ड वन हा प्लस आगे मात्रा प्लस था प्लस ई के मात्रा। नेक्स्ट फोर्थ वन मा प्लस छा प्लस ला प्लस ई के मात्रा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वर्ण और अक्षर अलग, मात्राएं और अक्षर जो अलग अलग है, तो हमें इन्हें पूरा मिलाकर एक शब्द बनाना है। फर्स्ट वन है नानी, सेकंड वन है पानी, थर्ड वन है हाथी और लास्ट वन है मछली। लास्ट वन मछली। तो आज का हमारा होमवर्क है कंप्लीट द क्लास वर्क। कंप्लीट द क्लास वर्क एंड टेक्स्ट बुक। तो बच्चों आप अपने क्लास वर्क में यहाँ तक लिखिएगा। ओके, थैंक यू।